नमस्ते दोस्तों, इलेक्ट्रिक प्रो चैनल में फिर से और एक बार स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एलईडी बल्ब को लेके। एलईडी बल्ब को लेके बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जवाब भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे छोटी सी बात को लेके, छोटी से एक टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि घर में जो एलईडी बल्ब रहता है वो खराब हो जाने के बाद उसको फेंक दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये 2 रुपए के ऊपर या फिर 3 रुपए में ठीक हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, 2 या 3 रुपए में ये फेंका हुआ एलईडी बल्ब बिल्कुल पहले जैसा हो सकता है। तो आइए हम देख लेते हैं आज कि इसको कैसे 2 या 3 रुपए के अंदर ठीक किया जाए। ठीक है, हमारे पास 3 एलईडी बल्ब है। ये एक हो गया फिलिप्स का, ये लोकल ब्रांड का हो गया, और ये लोकल का ही है, हमने खोल के रखा हुआ है। तो चलिए पहले ये जो लोकल का है ये हम खोल लेते हैं। ये देखिए लोकल है, इसीलिए इसका कोई ब्रांडिंग नहीं है। ठीक है, खोलने के लिए जरा सी इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो ये खुल जाएगा। अभी आराम से देखिए, हमने थोड़ा लाइट धीमी कर दी ताकि आपको ये डीओबी अच्छी तरह से दिखने को मिले। ये देखिए, ये जो डीओबी है ना, ये नॉर्मल वाला डीओबी है। ठीक है, ये आपको बाजार में आसानी से 2 या 3 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, इसका कनेक्शन कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए ये जो है यही इसमें लगता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए एल लिखा हुआ है और यहाँ पर एन लिखा हुआ है। एन का मतलब होता है कि न्यूट्रल, और एल होता है लाइन, मतलब ये जगह और ये जगह, ये दोनों जगह अगर आप पावर दे देंगे, मतलब 220 वोल्टेज दे देंगे तो ये लाइट जलने लगेगा। अभी सवाल आता है कि ये डायरेक्ट चलेगा? जी हाँ, ये डायरेक्ट डीओबी है, ये डायरेक्ट 220 वोल्ट में चलेगा। ये रहेगा आपका सेम चीज़ है। ठीक है, यही लगा हुआ है। ये जो ब्लू और येलो वायर है, ये जो पीछे वाला होल्डर का कैप रहता है, यहाँ से लेके डायरेक्ट इसमें डाला हुआ है, लगाया हुआ है। ये नॉर्मल वाला भी आपको खोल के दिखा देते हैं। ये देखिए, ये डायरेक्ट दोनों तार आया हुआ, ब्लू और येलो डायरेक्ट, इसमें कोई सर्किट नहीं है, ये वैसे ही जलेगा क्योंकि ये डीओबी जो है ना, ये एसी वाला डीओबी है, डायरेक्ट करंट में जलने वाला। दूसरे वाला में हम आते हैं। दूसरे वाला क्या है, ये रह गया आपका फिलिप्स का। इसको तो आप वैसे इतनी आसानी से खोल नहीं सकते, इसको खोलने के लिए थोड़ा सा आपको कसरत करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा जबरदस्ती करना पड़ेगा तब भी ये खुलेगा। ठीक है, इसको हम नया बल्ब है, इसको खोल नहीं सकते, इसको बिना खोले हम सेम चीज़, ये देखिए सेम चीज़ है। हमने इसका डीओवी का डिफ्यूज़र जो होता है, सामने वाला जो हिस्सा रहता है इसको डिफ्यूज़र कहते हैं, ये डिफ्यूज़र हमने खोल के रखा हुआ है इसको। ठीक है, ये रहेगा स्क्वायर वाला डीओवी, यही स्क्वायर वाला डीओवी इसमें लगता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं चलेगा। ये जो डीओवी है ना, ये डायरेक्ट नहीं चलेगा। ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये देखिए, हम और थोड़ा नज़दीक लाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 6 वोल्ट लिखा हुआ है, ये रहेगा प्लस और ये रहेगा आपका माइनस। ठीक है, ये डायरेक्ट 220 वोल्ट पे चलेगा नहीं सर, यहाँ से फेज और न्यूट्रल डायरेक्ट होल्डर से एक सर्किट है यहाँ। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि इसको खोल के हम तो आपको दिखाएं। ठीक है, ये देखिए ये खोल गया, इसके अंदर देखिए एक सर्किट है। ये सर्किट का काम क्या है, 220 वोल्ट इनपुट हम जब देंगे ना तो 220 वोल्ट आउटपुट नहीं करेगा वो। ये डीओबी के जलने के लिए जितना वोल्टेज लगता है वही वोल्टेज इस थ्रू पास करेगा तभी ये जलेगा। तो अभी बताइए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हर वक्त हर दिन हम आप ही के लिए ऐसे छोटे छोटे वीडियोस लाते हैं प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन को लेके। आपके मन में भी अभी कोई प्रॉब्लम या सलूशन के बारे में कुछ चल रहा है तो वो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। ये चैनल आप ही का है,
आप जैसे बोलेंगे वैसे वीडियो हम बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।